गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ रोजाना सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं आज की ये कहानी। और इस कहानी को सुनते वक्त आप ईयरफोन या हेडफोन का उपयोग करें, इससे इस कहानी की ऑडियो आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलिए अब इस प्यारी सी कहानी को शुरू करते हैं। मैं पिया, आज मैं आपको अपनी लाइफ की एक दास्तान जो ये बेहद ही प्यारी सी है सुनाने वाली हूँ, तो ज़रा गौर फरमाइएगा। नाम मेरा पिया है, ये तो आपको पता चल गया है। मैं एक बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करती थी, लेकिन मेरी जितनी फ्रेंड्स थी वो सब चुलबुली थी। उन्हें लड़कों के साथ घूमने जाना, पार्टी करना, ये सब बड़ा अच्छा लगता। एक बात ये भी था ना कि मैं अपने घर वालों से थोड़ा डरती थी, वो कहते हैं ना डरपोक किस्म की, इसीलिए मैं कहीं घूमने अपने दोस्तों के साथ गई नहीं। लेकिन जनाब डर भी एक वक्त तक रहता है, एक वक्त के बाद लाइफ की खुशियाँ डर से ज़्यादा जरूरी हो जाती है। तो देखते देखते मेरी शादी हो गई। शादी के बाद ना ये जो डर था वो मिट गया। पहले घर वालों से डर लगता था कि मम्मी पापा क्या कहेंगे, लेकिन मैं अगर सच कहूँ तो मुझे मेरे पति से डर नहीं लगा। वो सरकारी अफसर थे, घर वालों ने अच्छे पैसे कमाने वाले देख के शादी तो दे दी, लेकिन दोस्तों आप तो जानते हैं जो सरकारी जॉब करते हैं वो बड़े बोरिंग से इंसान होते हैं। अब हाँ, मैं आपको जज नहीं कर रही हूँ, अगर आप सरकारी जॉब करते हैं तो अच्छा है, उसमें अच्छे पैसे, लेकिन अक्सर वो थोड़े बोरिंग लगते हैं, मुझे तो लगते हैं, बाकी मैं सबका नहीं बता सकती। तो हुआ कुछ यूँ कि अब मेरे पति को घूमने जाना वगैरह ये सब चीज़ का शौक़ नहीं था। जब मैं उन्हें कहती तो वो कहते घर है, इतना सुंदर घर है, घर पे रहो। ये सुनकर मुझे बड़ा बुरा लगता, अरे घर है अलग बात है, लेकिन घूमने जाना भी तो चाहिए। एक बार इस बात पे मेरे पति से मेरी काफ़ी बहस हो गई। वो मुझे कह रहे थे कि घूमने जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उन्हें कहा मुझे तो घूमने जाना है चाहे जो हो जाए। इन सब बहस के बाद नतीजा ये निकला कि मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जाने प्लान बनाई। हाँ, मेरी वही दोस्तों के साथ जिनके बारे में मैंने पहले ही कहा आप लोगों से कि बड़ी चुलबुली है। तो फिर मैं उन लोगों के साथ घूमने जाने लगी, तो पता है क्या हुआ, मेरी उसमें से तीन दोस्तों की शादी हो गई थी, एक की शादी नहीं हुई थी। तो अब हमारा जब प्लान बना, सिर्फ हम लोग लड़की ही जाने वाले थे। अब जिसकी शादी नहीं हुई थी उसका बॉयफ्रेंड था, तो बॉयफ्रेंड होने से तो इंसान थोड़ा व्यस्त व्यस्त रहता है। वो अपने बॉयफ्रेंड से बातें करती और थोड़ा मतलब हम लोगों से कमी भूली मिली थी, लेकिन हम तीनों जिन तीनों की शादी हो गई थी उसमें हम लोग बहुत मस्ती करने वाले थे। हमें पता था एक बार फिर फैमिली वगैरह बन जाएगा तो ये घूमना फिरना ना होने से रहा, ऐसे में हम इस वक्त को गंवाना नहीं चाहते थे। तो मैं दोस्तों के साथ घूमने गई थी, हम लोग शिमला गए। हम जब शिमला गए वहाँ की वादियों को देखकर हम मानो उसमें खोसे रहे थे। सच बताऊँ तो मैं शादी के बाद या फिर शादी से पहले भी कोई खास कहीं घूमने गई नहीं थी। घर वालों के पास कभी समय ही नहीं था, मेरे पिताश्री भी गवर्नमेंट जॉब में थे, अपने जॉब के कारण वो अक्सर व्यस्त रहते, और मेरी मम्मी थोड़ी बोरिंग वो भी थी, उन्होंने घर से निकलने के बारे में, घूमने जाने के बारे में कभी सोचा ही नहीं। तो ये चीज़ ना मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। मैंने अपने पति से लड़ाई करके आई थी कि वो नहीं आ रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है आपको घर अच्छा लगता है आप घर पर रहिए, मुझे तो जाना है। तो मेरे पति से मेरी कम ही बातचीत होती, मैं अपने दोस्तों के साथ ही ज़्यादा घूम भी रही थी। तो एक दिन ये हुआ कि मेरी और एक फ्रेंड की भी अपने पति से लड़ाई हो गई, तो वो भी नाराज़ थी। तो मैंने उसे कहा यार देखो तुम्हारे साथ जो है वो मेरे साथ भी है, नाराज़ मत हो, लाइफ तो ऐसी ही है, और खैर हम लोगों की तो पति तुम जानती हो। उसके बाद मेरी दोनों दोस्त ना एक लड़के से फ्लर्ट करने लगी,
मुझे ये चीज़ थोड़ा अजीब लगा। अजीब इसलिए कि हमारी शादी हो चुकी थी और ऐसे में वो फ्लर्ट कर रही थी, तो थोड़ा अजीब भी दिख रहा था, है ना। लेकिन फिर उन लोगों को मैंने कहा कि यार क्यों कर रही हो ऐसा। उन्होंने कहा कौन सा हमारे पति को पता चल रहा है, वो लोग क्या शरीफ हैं इतने, वो भी तो बाहर जाते होंगे तो लड़कियों से बात करते ही होंगे, सारे बात हमें थोड़ी ना बताते, हम कौन सा ज़िंदगी भर उनसे बात करेंगे, यहाँ पे कुछ दिन बात करके फिर चले जाएंगे। मुझे अपने दोस्तों की बात ना चाहते हुए भी अच्छी लगी। वो कहते हैं ना कभी कभी दोस्त हमें, हर गलती दोस्तों के साथ ही होती है। मेरे साथ भी यहाँ इस चीज़ का बिल्कुल वही हुआ था। तो मैं भी एक ग्रुप था, उस ग्रुप में 4-5 लड़के थे, उन लोगों से बातचीत करने लगी। हमने उन्हें बताया नहीं कि हम शादीशुदा हैं। अरे ये सब बातें भी बताने वाली है। उसके बाद क्या, हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे तो एक लड़का आकर मुझसे कहा कि हेलो आपका नाम। मैंने कहा मैं अनजानों को अपना नाम नहीं बताती। उसमें से एक लड़का बोला जान पहचान नहीं है तो हम जान पहचान बना लेंगे, अभी तो पहले आप नाम बता दीजिए। पता नहीं क्या आया मेरे दिमाग में, मैंने भी कह दिया मायसेल्फ पिया आप कौन। इस बात पर वो बोले हेलो मैं विवेक। सच कहूँ तो उसकी बातचीत वगैरह मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने उससे कहा अच्छा। उन्होंने कहा कि क्यों आपको मेरा नाम पसंद नहीं आया। मैंने कहा नाम पे क्या जाता है, इंसान का बर्ताव बोलते हैं। उन्होंने कहा अच्छा जी आप तो फ्लर्ट कर रही हैं मुझसे। मैंने कहा मैं क्यों फ्लर्ट करूँगी भला, वो भी आपसे। उन्होंने कहा लग तो ऐसा ही रहा है। उसके बाद हम लोगों ने कहा अच्छा ठीक है चलिए मैं चलती हूँ। वहाँ से हम आ गए। अब फिर उसके बाद क्या, मैं वहाँ आई तो हम जिस होटल में रुके थे पता चला वे लड़के भी वहीं रुके थे। फिर हम लोगों का बातचीत बढ़ने लगा। धीरे धीरे बातों का सिलसिला यूँ बढ़ा कि वो विवेक नाम का जो लड़का जिसके बारे में मैंने पहले ही कहा, उससे मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती हुई। जब तक मैं उस ट्रिप में थी हम बिल्कुल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले बन गए थे। लेकिन एक बार ट्रिप से आने के बाद मैं मानो उसे भूल गई। मुझे पता था मैं शादीशुदा हूँ और ये बात साड़ी ससुराल या पतिदेव को पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। मुझे पता है मैंने ये चीज़ गलत किया, मैं मानती हूँ, लेकिन जिंदगी कई बार ये गलतियाँ ही याद बन के रह जाती हैं। आज भी मुझे विवेक की बड़ी याद आती है। वो एक बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन हम दोनों का मिलन बस उतना ही था। ये एक मेरी ज़िंदगी की प्यारी कहानी जो मैंने आपसे शेयर किया। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चलो बाय, टेक केयर, बाय।